दिस इज़ मोहम्मद आसिफ एंड आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। सो डियर स्टूडेंट, आज फिर मैं एक नए स्ट्रक्चर के साथ हाजिर हुआ हूँ और इस स्ट्रक्चर को सीखते हैं बिना वक्त ज़ाया किए हुए। सो कम टू द पॉइंट एवरीवन। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, आज हम क्या सीखने वाले हैं? टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दिस स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर सीखेंगे और स्ट्रक्चर क्या है हमारा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद शुड आएगा, देन उसके बाद जो भी एक्शन वर्ब होगी यानी कि जो भी वर्ब होगी, वी विल यूज़ दिस स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो यूसेज ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज़, तो इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाएगा जब हम मोरल ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं, जब हम किसी को एडवाइस देते हैं, जब हम किसी को सजेशन देते हैं या किसी से सजेशन लेते हैं। ठीक है, मोरल ऑब्लिगेशन क्या होता है? नैतिक कर्तव्य। ऐसे जो जिम्मेदारी भरे वाले काम होते हैं, जो नैतिक कर्तव्य होते हैं, मोरल ऑब्लिगेशंस होते हैं हमारे ऊपर, उनको बताने के लिए भी हम शुड का यूज़ करते हैं, और सलाह देने के लिए एडवाइस देने के लिए हम शुड का यूज़ करते हैं, और जब हम किसी को सजेशन यानी कि सुझाव, या तो किसी को सुझाव देते हैं या किसी से सुझाव लेते हैं, तब जाके हम शुड का यूज़ करते हैं। एक्चुअली क्या है, एक वर्ड है सजेशन, बहुत से इसको मिस प्रोनाउंस करते हैं, वो क्या कहते हैं? सजेशन। सजेशन नहीं होता ये, इट इज़ प्रोनाउंस्ड एज सजेशन। व्हाट? सजेशन, यस। सो ओके एवरीवन, सो ये तो बात हो गई कि स्ट्रक्चर ये है, इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाएगा, इन सिचुएशन में। अब हिंदी में कैसे बोला जाता है ये? हिंदी में बोला जाता है करना प्लस चाहिए, यानी कि करना चाहिए, जाना प्लस चाहिए यानी कि जाना चाहिए। मतलब जब हमें ऐसा लगता है कि हमें ये काम करना चाहिए, या हमें वहाँ पर जाना चाहिए, या मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, आपको बोलना चाहिए, आपको अंग्रेज़ी सीखनी चाहिए, तब जाके हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। अभी शॉर्टली मैंने क्या लिखा है? करना प्लस चाहिए, तो मतलब शुड डू, जाना चाहिए शुड गो। अब किसे जाना चाहिए? और तुम्हें जाना चाहिए तो यू शुड गो। अब मुझे पढ़ाना चाहिए तो आई शुड टीच। तुम्हें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए तो यू शुड स्पीक इंग्लिश। उसे यहाँ आना चाहिए तो ही शुड कम हियर। गॉट इट? इस तरह से हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। लेकिन ये जो मैंने सलाह दी है, ये पॉजिटिव सेंस में दी है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, नेगेटिव सेंस में भी तो सलाह देते हैं। नेगेटिव सेंस में आपको जब सलाह देनी होगी तो आप क्या काम करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? उसके बाद लिखेंगे आप शुड, ओके, देन नॉट, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म। यानी जब भी आपको नेगेटिव में सजेशन देना होगा, किसी को नेगेटिव में किसी को सलाह देनी होगी, तब हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई लड़ रहा है, तो हम कहेंगे उसको यू शुड नॉट फाइट। समझे ना, उसे टाइम नहीं ख़राब करना चाहिए। ही शुड नॉट वेस्ट हिज टाइम। उसको नाचना नहीं चाहिए, ही शुड नॉट डांस। लाइक दिस, तो जब हमें पॉजिटिव में सजेशन देना है तो ये स्ट्रक्चर, और नेगेटिव में सजेशन देना है तो ये स्ट्रक्चर। ओके डियर स्टूडेंट, आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा कि हाउ टू आंसर इन द पॉजिटिव सेंस, हाउ टू एडवाइज इन द पॉजिटिव सेंस, एंड हाउ टू एडवाइज इन द नेगेटिव सेंस। अभी इस स्ट्रक्चर को हम लर्न दिस स्ट्रक्चर विद द हेल्प ऑफ द इमेजिनेशन। तो मैंने यहाँ पर इमेजिनेशन लिखी है, इस इमेजिनेशन को आप समझिएगा। एक्चुअली इमेजिनेशन को स्टडी करना तो आपको बखूबी आ गया होगा, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, देखिएगा यहाँ पर आप किससे बात कर रहे हैं? सैम से। इन दिस इमेजिनेशन यू आर टॉकिंग टू सैम, आप सैम से बात कर रहे हैं। सैम से कह रहे हैं, सैम यू शुड बैग ऑफ हिम। बैग ऑफ का मतलब होता है किसी को मना करना, इनकार कर देना। ठीक है, यू शुड बैग ऑफ हिम, ही नॉट ऑनेस्ट। वो क्या नहीं है? वो ईमानदार नहीं है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही इज नॉट ऑनेस्ट, के वो ईमानदार नहीं है। ही डिच मी ऑल्सो, डिच का मतलब क्या होता है? डिच का मतलब होता है धोखा देना, ओके, चीट करना किसी को। तो वो कह, आप कह रहे हैं ही डिच्ड मी ऑल्सो, कि उसने मुझे भी धोखा दिया था। मेक पीपल्स फूल, कौन बनाता है लोगों को बेवकूफ? ही, तो ही मेक्स पीपल्स फूल, कि वो लोगों का बेवकूफ बनाता है। नॉट रिटर्न योर मनी, कौन नहीं रिटर्न करेगा आपकी मनी? ही विल नॉट रिटर्न योर मनी। सो
नॉट लैंड हिम मनी, तो मतलब सो डू नॉट लैंड हिम मनी, तो आप उसको पैसे मत देना, आप पैसे उसको उधार मत देना, ठीक है। तो ये थी हमारी इमेजिनेशन। अब इस इमेजिनेशन पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो पहला ही क्वेश्चन क्या है, टू हूम आर यू टॉकिंग, इसका मतलब आप किससे बात कर रहे हैं, इस इमेजिनेशन में किससे बात कर रहे हैं आप बताइएगा। ऑफ कोर्स सैम से बात कर रहे हैं, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम टॉकिंग टू सैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अबाउट हूम आर यू टॉकिंग, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, सैम से तो बात करें, सैम के बारे में बात नहीं करें, तो किसके बारे में बात कर रहे हैं आप, किसके बारे में, किसी लड़के के बारे में। जैसे मान लीजिए राहुल के बारे में बात करें, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट राहुल। ओके, नेक्स्ट, हु इज नॉट ऑनेस्ट, अब किसके बारे में बात चल रही है यहाँ पर, राहुल के बारे में, तो ऑनेस्ट कौन नहीं हुआ, राहुल, तो कैसे बोलेंगे, राहुल इज नॉट ऑनेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड ही डू विद यू, अब आपसे पूछ लिया उसने क्या किया है आपके साथ, तो आपने कहा ही डिच्ड मी, कि उसने मुझे धोखा दिया है। ओके ओके, हु विल नॉट रिटर्न सैम्स मनी, अब सैम के पैसे कौन नहीं लौटाएगा, ऑफ कोर्स राहुल विल नॉट रिटर्न सैम्स मनी, कि राहुल सैम के पैसे नहीं लौटाएगा। लास्ट क्वेश्चन, व्हाई विल ही नॉट रिटर्न सैम्स मनी, कि वो सैम के पैसे क्यों नहीं लौटाएगा, ऑफ कोर्स एक्चुअली ही इज नॉट ऑनेस्ट एंड ही डिच्ड मी आल्सो, ही मेक्स पीपल्स फूल, सो दैट्स व्हाई ही विल नॉट रिटर्न सैम्स मनी। ओके, सो ये क्या है, ये इमेजिनेशन है, ये क्वेश्चंस है। इसी तरह की इमेजिनेशंस आप भी क्रिएट कीजिएगा और क्वेश्चन पूछे और आंसर भी दीजिएगा आप, क्योंकि अंग्रेजी बोलना अगर सीखना है तो आपको ये तरीका अपनाना पड़ेगा। वो तरीका छोड़ दीजिए रटने वाला, दो तीन सेंटेंस बनाने वाला तरीका छोड़ दीजिए, दिस इज द मैथड बाई विच यू कैन इन्हेंस योर कम्युनिकेशन स्किल्स। आप सोचना शुरू कर दीजिए अंग्रेजी में, बड़ा आसान हो जाएगा। ओके, सो प्रैक्टिस कीजिएगा इस इमेजिनेशन को और भी इमेजिनेशन क्रिएट कीजिएगा। और आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, और जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना अच्छा लगेगा। थैंक यू।